हाँ तो बच्चों, जो आज का लेक्चर है उसमें पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट कैपेसिटी निकालने का ट्राई करेंगे। जिनको आता है खुद से ट्राई कर सकते हो। खैर मैं स्टार्ट करता हूँ। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा डायग्राम दिख रहा होगा, मैक्सिमम बच्चों को लग रहा होगा कि ये तीनों सीरीज में है, लेकिन सीरीज में होता तो बीच में से वायर नहीं जाता है ना, यहाँ से भी वायर जाके यहाँ पे लग गया, तो इट्स नॉट इन सीरीज। तो क्या हो सकता है, पहले देखते हैं कि पहले देखो भाई, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो नोडल एनालिसिस पहला स्टेप है हमारा। पहले हम लोग नोडल एनालिसिस ट्राई करेंगे, इसके बाद बाकी सारे तरीके होते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस से सारा कुछ हो ही जाता है लगभग। ये ए है तो ये वाला भी पॉइंट है। देख रास्ते में अगर कुछ नहीं आ रहा ना तो पॉइंट सेम ही रहता है, ठीक है। ये ए तो ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। अच्छे से देख, ये बी तो ये वाला भी बी, बी बी बी। अब तो ये होता है हमारे पास सर्किट में कितने सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट है ए और बी। तो ए को यहां लिख लो और बी को यहां लिख लो। ए और बी के बीच में कौन सा कैपेसिटर आ रहा है, पहला कैपेसिटर आ रहा है तो टिक लगा ले। ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर आ रहा है, टिक लगा ले। तो ये भी हो गया। ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर आ रहा है, टिक लगा ले। और फाइनली ए से डंडा बी से डंडा, तीनों क्या हो गए पैरेलल में। तो आंसर क्या आ गया बेटा, थ्री सी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व करता है। एवरी कैपेसिटर इज सेम और यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट कैपेसिटर को और भी कठिन सम होता है, वो मैं आपको थोड़ा बाद में कराऊंगा, अराउंड एक दो लेक्चर के बाद में भी, ये एक लेक्चर के बाद में कराऊंगा। अभी के लिए देखो क्या है, दिस इज वन कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, फोर कैपेसिटर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, नहीं 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 ठीक है। दिस इज वन कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, फोर कैपेसिटर, एट, 16, नंबर ऑफ टू में, मतलब क्या कहते हैं, टू का जो आपका मल्टीपल होता है उसमें आपके कैपेसिटर नीचे की तरफ गए। तो अपने को क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी, ये भी सी, ये भी सी, दीज आर ऑल्सो सी। अगर मैं अच्छे से इस डायग्राम को सॉल्व करूं, सपोज दिस इज माई, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, उसी डायग्राम के ऊपर एडिटिंग कर देता हूँ, ये सी और ये सी मिलके हमें क्या देगा बताओ, सी और सी, सी इसमें क्या देता है, सी बाई टू। वॉट डज इट गिव, सी बाई टू, सी 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 सी, चार से क्या देगा, सी बाई फोर। याद है एन कैपेसिटर इन सीरीज, वो वाला टेक्निक लगा रहे हैं। ये क्या देगा बेटा हमें, सी बाई फोर। ये क्या देगा, सी बाई एट, एंड सो ऑन। सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में। तो नेट कैपेसिटेंस जो आएगा पैरेलल में चीजें ऐड होती हैं, सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई फोर, सॉरी प्लस सी बाई एट प्लस सी बाई सिक्सटीन प्लस डॉट डॉट डॉट। जिनका मैथ्स है उनको पता होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में व्हाट इज द फाइनल सम, ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। इनफाइनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। बता रहा हूँ देख, ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, सी वन माइनस, आर इज द रेशियो ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म। सी बाई टू बाई सी कितना होता है, हाफ, या सी बाई फोर बाई सी बाई टू कितना होता है, हाफ, सी बाई एट बाई सी बाई फोर क्या होता है, हाफ। इजी है, बेसिक आपका फॉर्मूला है, मैथ से आता है, आंसर हो गया टू सी, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस आपका कितना हो गया, टू सी। तो दीज आर टू बेसिक टर्म्स, काइंडली नोट इसको कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। इस पर्टिकुलर सवाल में बोला है कि हर कैपेसिटर में चार्ज निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ी से कुछ बोलना चाहूंगा आप लोगों से। पहली बात, यू एवरीवन इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, काफी काम आप लोग अप टू डेट रख रहे हो, यू नो यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी सम्स इवन व्हेन वी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मिल भी नहीं पा रहे हैं एज ए टीचर एंड स्टूडेंट, एंड स्टिल यू आर डूइंग ऑल द वर्क, यू नो कुडोस टू यू। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साल है, ये साल का तो मतलब इस सेशन का मैं क्या ही बताऊँ, पता नहीं कब खुलेगा क्या होगा। तो कुछ बातें जो एज ए टीचर और एज ए मैंने आपके सीनियर टीचर से डिस्कशन किया था, या उन्होंने सीबीएसई का ट्रेंड देखा, या उनसे मैंने डिस्कस करके, या गुवाहाटी में भी मेरे कुछ यू नो जान पहचान के टीचर्स है जो सीबीएसई में काफ़ी हायर स्ट्रक्चर में है वो लोग, तो उनको उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये साल तो पक्का है कि सीबीएसई का जो पेपर बनाएगा वो बहुत ईजी बनाएगा, बोर्ड का पेपर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं, एक्सेप्ट यू नो देयर सम वेरी एक्सपेंसिव स्कूल जहाँ पे बच्चे यू नो दे कैन अफोर्ड ऑल द एजुकेशन, बहुत सारे स्कूल से जहाँ पे एजुकेशन उतना अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पा रहे बच्चे जो बैकवर्ड जगह में है। तो एज ए स्टूडेंट आप लोग के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फाइनल
सिंस इजी होने वाला है तो आप लोग के नंबर बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है. तो आप अगर मेहनत ज्यादा करोगे इस टाइम पे, क्योंकि देश में बच्चों बहुत सारे ऐसे जगह के बच्चे जाओगे जिनको मेहनत करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा. जो स्कूल से कंटेंट मिल रहा है मैक्सिमम स्कूल में, उसका तो मैं खैर उसका कुछ बोलना ही नहीं हमको. मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो जो बच्चा 80% स्कोर करने का कैपेबिलिटी रखता है, ही कैन स्कोर 87-88% दिस टाइम. जो बच्चा 85% स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, ही कैन स्कोर 90%. जो 90% स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, ही कैन स्कोर 95%. और जो 95% का कैपेबिलिटी वाला बच्चा, ही कैन स्कोर 98-97%. सो आप लोग का जो भी प्लेटफॉर्म है, आप लोग का जो भी लेवल है, उस लेवल से बहुत अच्छा आपका नंबर आने वाला है इस साल. क्योंकि ये साल एज फॉर सीबीएसई दे आर गोइंग टू मेक वेरी इजी पेपर. तो आप अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो मैं गारंटी देकर बता रहा हूँ कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी उससे ज्यादा आप परफॉर्म कर पाओगे, आप खुद शॉक हो जाओगे खुद के परफॉर्मेंस से. तो काइंडली मतलब यही चीज चीजों का थोड़ा मोटिवेशन रख के आप लोग यू नो पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि ये सब मोटिवेशन ऐसे जैसे हर साल मैं रहता हूँ आप लोग के साथ, बोलते रहता हूँ, डांटते रहता हूँ या गाइड करते रहता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो बच्चा खींच लेता है. लेकिन अब सिर्फ मैं भी कॉन्टेक्ट में नहीं, आप कोई भी टीचर आपके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं, तो आपको खुद ही डेवलप करते रहना पड़ेगा. यू नो मैंने बोला पूरा दिन वीडियो देखो देखो वीडियोज एजुकेशनल वीडियोज देखो, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा यू नो घर के काम काज में थोड़ा ध्यान लगाओ, शायद थोड़ा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो, या यूट्यूब में कोई अच्छी सीरीज देख लो, या कोई टीवी सीरीज अच्छी देखो, या दिन में नहीं 3-4 दिन में एक मूवी देख लो डाउनलोड करके. तो यू नो जस्ट ट्राई टू बी प्लेफुल विथ यू, डोंट जस्ट यू नो टेक दिस एवरी यू नो दिन में मेरे को इतना सारा वीडियो देखना है, एजुकेशन का वीडियो कैसे होगा, डोंट टेक दिस एटीट्यूड. आप लोग ट्राई करो कि भले ही काम थोड़ा पीछे चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट, जस्ट ट्राई टू बी ऑन द ट्रैक. जस्ट अगर तुम लोग ट्रैक में भी रहने की कोशिश करो तो तुम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो बाय सेइंग दैट लेट्स स्टार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक आपका बेसिक पूरा बनाएगा. दिस टॉपिक विल यू नो फॉर्म द बेसिक. अगर आपको ये मेथड आ गया तो आपको मतलब भले ये पहली बात बेसिक मेथड है, इसको मैं बोलता हूँ बेसिक मेथड, मेथड विच आई कॉल इट इज बेसिक मेथड. ठीक है, ये मतलब बचकाना मेथड है. इससे आपके सारे सवाल तो हो जाएंगे, समय लग सकता है. इसके बाद मैं कराऊंगा किरचॉफ लॉ, जो जिससे कि आपका मतलब क्या कहते हैं, जिससे फटाफट सारे सवाल हो जाएंगे. इसके बाद नोडल एनालिसिस के हायर सवाल कराऊंगा, जिसमें तो और जल्दी हो जाएंगे सवाल, मतलब 2-3 लाइन में हो जाते हैं सवाल. वो सब खैर वो सब धीरे धीरे जाएंगे, पहले बेसिक मेथड. थोड़ा सा लंबा मेथड होने वाला है, मैं फोकस एक बार चेक कर लेता हूँ, फोकस में तो है सब कुछ. चलो स्टार्ट करते हैं. बोला है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. पहली बात ही कैसे शुरुआत करेंगे, देख सिंप्लीफाई करो डायग्राम को. डायग्राम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देख 2 और 4 पैरेलल में मिलके क्या बन जाएगा, 6. ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हो कि सर हाँ हमको पता है सर, ये दोनों मिलके 6 बनेगा, फिर इसके साथ ये सीरीज में है, मुझे पता है. लेकिन आप हर डायग्राम को सिंप्लीफाई करके लिखो, ये आपको हेल्प करेगा. मैं बता रहा हूँ क्यों, ये ग्राउंडेड है. ग्राउंडेड का अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में जरूरत पड़ेगा. दिस बिकम्स 3 माइक्रो फैरेड, दिस इज व्हाट 2 माइक्रो फैरेड. माइक्रो पता है ना 10^-6, दिस इज 12 वोल्ट. नेक्स्ट ये दोनों को रिजॉल्व करो, सॉरी दिस विल बिकम 6. 6 और 3 सीरीज में है. सीरीज में क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम. प्रोडक्ट क्या है बेटा, 6 × 3, सम कितना है 9, आंसर आ रहा है आपका 2. ठीक है, यानी इन दोनों का रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो फैरेड. चलो सॉल्व करते हैं. ये 12 वोल्ट. अब हमारे पास आंसर हमारा लगभग आ ही चुका है. 12 वोल्ट है, 2 माइक्रोफेरेड है, बताओ कितना चार्ज होगा. क्यू इक्वल टू क्या लगाएगा भाई, सीवी है ना, क्योंकि सारा वोल्टेज सारा का सारा 12 वोल्ट इसको मिल रहा है. तो क्यू इक्वल टू सीवी में सी आपका कितना है बेटा, 2 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट. फेरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, कूलम. याद है कि नहीं याद है, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी था. क्यू अगर कूलम में है, वी वोल्टेज में है, तो कैपेसिटर क्या आएगा, फेरेड में. तो फेरेड इंटू वोल्टेज क्या आएगा, कूलम. सिंपल सी बात है. तो हमारा आंसर आ रहा है 24 माइक्रो कूलम. ठीक है, तो यहां पे चार्ज कितना हो गया, 24 माइक्रो. तो यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस. एंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, ये 2 माइक्रोफेरेड यहां पे लिख दो, कहां पे लिखूं, 2 माइक्रोफेरेड यहां पे लिख दो. इस प्लेट में कितना है 24 माइक्रो कूलम, और इस प्लेट में कितना है माइनस 24 माइक्रो कूलम. ठीक है, इसमें प्लस 24 माइक्रोकूलम, इसमें माइनस 24 माइक्रोकूलम. तो आप लोग को सिंपली ये बोलना है, दिस इज 24 माइक्रोकूलम, इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज 24 माइक्रोकूलम. ठीक है, हम लोग हमेशा चार्ज एंड पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं. नेक्स्ट एक बता, ये किससे आया, इन दोनों के सीरीज से आया.
हमको क्या पता है सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, तो इसमें जो चार्ज है इन दोनों में भी सेम चार्ज होगा, यानी कि इसमें भी कितना होगा 24 माइक्रोकुलम, इसमें भी कितना होगा 24 माइक्रोकुलम। याद कर जब मैंने सीरीज का प्रूफ कराया था तब मैंने ये बताया था कि नहीं कि सीरीज नाम के जो इक्विवेलेंट सर्किट जो था डायग्राम याद करो, सीरीज का मैंने दो तीन तीन कैपेसिटर दिखाया होगा और एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाया होगा, तीनों में जो चार्ज था इंडिविजुअल वही चार्ज हमारा इक्विवेलेंट सर्किट में भी था। अच्छे से याद कर, मैंने ऐसा कुछ बनाया था लास्ट वीडियो में शायद, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट था C1, C2, C3 और ये था C सीरीज, ये C1, C2, C3 तीनों में जो चार्ज था Q, 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 इसमें भी वही चार्ज था Q, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें जो चार्ज है इन दोनों में वही चार्ज होगा 24 माइक्रोकूलम 24 माइक्रोकूलम, तो इसमें कितना हो गया बेटा 24 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये 3 माइक्रोफैरड तो यही 3 माइक्रोफैरड है, अपने को अभी इन दोनों का चार्ज निकालना। अब तो एक बात बता, 6 माइक्रोफैरड क्या है? 6 माइक्रोफैरड इज एक्चुअली नथिंग बट 6 माइक्रोफैरड इज एक्चुअली नथिंग मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट 6 है, यानी कि इन दोनों में चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम। अच्छा क्या बता, पैरेलल में चार्ज सेम रहता है क्या? नहीं सेम रहता, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, समझ में आया कि नहीं? क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। एक बात समझ में आ गई कि ऐसे देख, सिंपल तेरे को बताता हूं मैं टेक्निक क्या है, इन दोनों में मिला के 24 माइक्रोकूलम है, यानी कि इसमें अगर स्मॉल क्यू है तो इसमें कितना होगा 24 माइक्रोकूलम माइनस क्यू, वेयर क्यू इज इन माइक्रोकूलम। समझा रहा हूं दोबारा से, ऐसा देख बैटरी से 24, अच्छा ये बता टोटल चार्ज बैटरी से कितना निकला फाइनल सर्किट डायग्राम में 24 माइक्रोकूलम, ऐसा ही पूछ सकता है, व्हाट इज द टोटल चार्ज कमिंग आउट ऑफ बैटरी, टोटल चार्ज कमिंग आउट ऑफ बैटरी 24 माइक्रोकूलम, तो आया 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 24 माइक्रोकूलम यहां से निकला, 24 माइक्रोकूलम यहां से निकला, तो 24 माइक्रोकूलम जब निकला तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया 24 माइक्रोकूलम, यहां पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ, ये न्यूट्रल प्लेट था याद कर, कैपेसिटर का फॉर्मेशन जब बताया था ये प्लेट क्या था, न्यूट्रल प्लेट था, ये जगह न्यूट्रल है, ये अगर न्यूट्रल है तो यहां पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, कितना नेगेटिव इंड्यूस होगा 24 माइक्रोकूलम ही नेगेटिव इंड्यूस होगा, और पीछे में न्यूट्रलाइजेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा 24 माइक्रोकूलम, और वो 24 माइक्रोकूलम जब यहाँ पर जाएगा तो इसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता में चार्ज क्यू जाएगा, दूसरे में 24 माइनस क्यू जाएगा, ऑब्वियसली बात है बेटा, क्योंकि इस पॉइंट में कितना चार्ज आ रहा है 24 माइक्रोकूलम, तो निकलेगा भी कितना 24 माइक्रोकूलम, यहाँ से कितना गया क्यू, यहाँ से कितना गया 24 माइनस क्यू, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो अपने को ये क्यू का वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकालेंगे देख, ये बता ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सेम, तो पहले एक बार इसका, तो इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी इतना पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जो कि ये है, इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, याद कर जब मैंने पैरेलल का वो थ्योरी कराया था, ठीक है? चलो देखो कैसे करता है, एक बार इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख, ये ग्राउंडेड है, पहले पता इसमें चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम, इसमें कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैरड, तो हमको पता है क्यू इक्वल टू होता है सीबी, सब क्यू इक्वल टू सीबी से हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाई सी, व्हाट इज चार्ज इन दिस, व्हाट इज द चार्ज इन दिस, चार्ज इन दिस इज 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, आंसर आ गया आपका 8 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 24 माइक्रोकूलम, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देते हैं 24 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो गया बेटा आपका, ये इसके अंदर भी चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 8 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट। यार एक बात बता, बैटरी कितना है, अच्छा पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हद तक एनर्जी से, एनर्जी का टूल है वो, बताया था है ना, तो बैटरी 12 वोल्ट का लगभग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का टूल है वो, 12 वोल्ट का एनर्जी दे रहा है, तो 12 वोल्ट का एनर्जी दे रहा है, तो 8 वोल्ट का एनर्जी इसने ले लिया, तो ये कितना वोल्ट लेगा 4 वोल्ट, ऑब्वियसली बात है, लेकिन तब भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हमको पता है V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, ये V1 था, ये V2 है, V2 इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई सी, इसका क्यू कितना है 24 माइक्रोकूलम, इसका सी कितना है 6 माइक्रोफैरड, आंसर कितना आ गया 24 बाई 6 कितना होता है बेटा, दिस इज 4 वोल्ट, क्या है ये 4 वोल्ट, यानी कि दिस वैल्यू इज हाउ मच 4 वोल्ट। अच्छे से देख, 12 वोल्ट राइज हुआ था और ये 8 वोल्ट 4 वोल्ट, समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट, चलो नेक्स्ट आते हैं।
यानी कि इसमें अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों में भी इंडिविजुअली कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 4 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। इसमें कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इसमें 8 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? चलो अब एक बार मुझे वोल्टेज मिल गया और मुझे कैपेसिटेंस तो पता ही है, 2 माइक्रोफेरेड, तो इसका चार्ज निकल जाएगा पहले वाले के लिए। Q इक्वल टू क्या है बेटा? CV। C कितना है इसका? 2 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज कितना है बेटा यहाँ का? 4 वोल्ट। क्या बोल सकता हूं मैं? फेरेड इंटू वोल्ट क्या था? मधुल। C इक्वल टू Q बाई V। सी क्या होता है? फेरेड। क्यू क्या होता है? कूलम। वी क्या होता है? वोल्टेज। तो फेरेड इंटू वोल्टेज क्या होगा? कूलम। गड़बड़ नहीं करना है। तो ये कितना हो गया? 8 माइक्रो कूलम। यानी कि ऊपर वाले में चार्ज कितना है? 8 माइक्रो कूलम। अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, तो खुद हिसाब लगा ले, 24 कूलम आया, 8 यहां गया, तो 16 यहां पे आएगा ना भाई? 16 यहां आएगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आएगा? 16 आएगा यहां पे। लेकिन आपको तब भी अगर कंफ्यूजन होता है, तो मान एक बार हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं। मान लीजिए 24 माइनस क्यू की जगह चार्ज Q2 है। कितना है चार्ज? ये Q1 है, इसको Q2 मान ले, ठीक है? तो एक बार Q2 निकालेंगे, Q2 इक्वल टू क्या होगा? CV। C कितना है? 4 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज कितना है बेटा? 4 वोल्ट। कितना आया ये? 16 माइक्रो कूलम, बताया ही था। तो यहाँ पे आपको कितना हो गया बेटा? 16 माइक्रो कूलम। कोई भी डाउट? आई होप समझ में आ गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी किसी भी किस्म की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, 24 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तरीका बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई द डायग्राम, फिर वहां से शुरू करो। पहले एकदम इजी डायग्राम में जाओ, फिर इजी से शुरू करके पीछे आओ। आई होप समझ में आया होगा। तो फाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये तो हो गया भैया कंप्लीट। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये बता, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 8 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है? 4 वोल्ट। खत्म बात। डाउट है कुछ भी? नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट, ईच पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। उसके लिए ग्राउंड होना जरूरी है। तो ग्राउंड अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। अगर ग्राउंड, ये जनरली पूछता नहीं है, ये थोड़ा कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए आता है, और इसका तो यहाँ पे मैं बस बेसिक्स बताऊंगा, आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये अगर ग्राउंडेड है तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? 0। क्योंकि बता, बैटरी क्या है? व्हाट डज 12 वोल्ट मीन? 12 वोल्ट मीन्स कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। यानी कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये होता है उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुद एक बात बता, अगर नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट में है, नेगेटिव प्लेट अगर 0 वोल्ट में, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, नेगेटिव प्लेट अगर 0 में है तो पॉजिटिव प्लेट कितना में होगा? 12 में। तो ये कितना है? 12। ये भी कितना है? 12। समझ में आया कि नहीं? अगर मान ली 0 नहीं है, मान ली ड्यू टू सम रीजन, अभी पास ऐसे कुछ एक रीजन के लिए ग्राउंडिंग हटा दे, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है मान ले, तो ये कितना होगा बताओ? गेस करो, दिस विल बी 17 वोल्ट। क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दे रहा है? 12 वोल्ट का। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का दे रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 है। मैं सुन अच्छे से, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा तो अलग मीनिंग है, जब मैं पोटेंशियल बोलूंगा तो अलग मीनिंग है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 17 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये मान लें ग्राउंडेड है हमारा, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या माना है? 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो गया बेटा? 12 वोल्ट। रास्ते में कुछ नहीं तो ये वाला भी 12 वोल्ट। अब से एक बात बता, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 12 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 12 वोल्ट। इसमें कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है ना, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है? 8 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, यानी कि 8 वोल्ट पोटेंशियल कम हो रहा है। तो 12 से 8 कम होगा तो कितना बचेगा भाई? 4। समझ में आया कि नहीं? 12 से 8 कम होगा तो कितना होगा? 4। अब अच्छे से देख, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12, इस पॉइंट का पोटेंशियल 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 8 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? ये अगर 4 में है, ये तो ऑलरेडी 0 में है, ये तो ऑलरेडी 0 में है, तो 4 से 0 कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 4 वोल्ट का। 4 से 0 कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ? 4 वोल्ट का। अच्छे से देखा, 4 वोल्ट ही तो है।
तो मुझे हर पॉइंट के अगर पोटेंशियल निकालने बोले, ये पॉइंट अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो तुमको मिल चुका है ए का 12 वोल्ट, बी का 12 वोल्ट, सी का 4 वोल्ट, डी का 0 वोल्ट। आगे आंसर समझ में, ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई सारा। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो और इस मैथ में थोड़ा सा कमांड लाने का ट्राई करो। Just point it to you. ये सवाल खुद से करने का ट्राई करो बच्चों, ठीक है, सवाल मैं दे रहा हूं आप लोग को। आठ वोल्ट का बैटरी, 2 माइक्रोफेरेट, 6, 3 और 2 माइक्रोफेरेट, ठीक है, सॉल्व करो भाई। हाँ तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और यही चीज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी होगा, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग कराएंगे तब मैं ये लॉ दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, इसके सवाल में डायरेक्टली शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्टली मतलब ये वाली चीज प्रॉपरली आनी चाहिए, अभी सीख लो। अभी देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे मैंने सीरीज पैरेलल कराया था कैपेसिटर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस कराऊंगा, तो आपको बस क्या है सेम कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। मतलब अगर आपने ये चैप्टर, मेन बात है हम लोग बोलते हैं ना कि इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम क्यों लगता है, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइम लगा के कर लोगे ना, तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें रिपीट मिलेंगी, तब वहां पे आपको एफर्ट देने का जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा सब। सेम आपको मैग्नेटिज्म में बहुत सारा चीज रिपीट मिलेगा, आपको कुछ कराने का जरूरत नहीं, रिपीट हो जाएगा सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चीज रिपीट मिलेगा, रिपीट बहुत मिलता है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक रिपीट मिल रहा है, लिटरली तुम्हारा 3-4 लेक्चर का सामान रिपीट मिल जाता है। जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, है ना, उसी तरह मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या करने को, सेम ही है बेटा सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है, हालांकि गॉस लॉ छोटा है, खैर वो समय बाद में जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एम्पियर, सॉरी गॉस लॉ है, मैग्नेटिज्म में आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, सेम है दोनों, फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है उसका, ठीक है। तो मतलब एक बार आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम दे तो आपको मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मक्खन जैसा हो जाता है वो सब, ठीक है। तो ये थोड़ा चलो कराते हैं। किरचॉफ लॉ बोलता है कि किरचॉफ पहला है किरचॉफ चार्ज लॉ, किरचॉफ चार्ज लॉ इज ऑल्सो नोन एज KCL, ये बोलता है नेट चार्ज एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू नेट चार्ज एक्सिटिंग ए जंक्शन। कुछ बड़ी बात नहीं है बेटा, मान लें जंक्शन है, हमको पता है कि जंक्शन क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां पे बहुत सारे तार आके मिलते हैं या बहुत सारे तार उससे निकलते हैं। जंक्शन क्या है, जंक्शन इज नॉट ए जनरेटिंग यूनिट, जनरेटिंग यूनिट मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, और ना ही क्यों ये सिंक है, सिंक मतलब एनर्जी को वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी चार्ज आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे तो स्टोर हो नहीं सकता, ना ही ये कोई चीज नया एनर्जी निकाल सकता है, तो यहाँ पे जितना चार्ज आएगा वो सारा का सारा चार्ज निकल जाएगा, यानी कि चार्ज कितना आ रहा है, Q1 plus Q2 अंदर आ रहा है, Q3, Q4, Q5 निकल रहा है, तो Q1 plus Q2 is equal to Q3 plus Q4 plus Q5, और इसको कहा भी जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकल गया, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL के नाम से जाना जाता है। अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये किरचॉफ करंट लॉ हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को KVL से ना जाना जाता है, इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं मैं तुम लोग को। मान ले अभी हमने सर्किट सॉल्व किया था, याद है, तो हम हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे थे, मान ले ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है। अब मान ले मैं इस तरफ गया, तो इस तरफ जब मैं जाऊंगा, तो मान ले पोटेंशियल गिर सकता है या पोटेंशियल बढ़ सकता है या कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल गिर भी सकता है, पोटेंशियल बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फाइनली जब मैं इस पॉइंट में आऊंगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो 10 वोल्ट ही रहेगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, एक पॉइंट का पोटेंशियल इन ए सर्किट रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि ये पॉइंट का पोटेंशियल मान ले 10 वोल्ट है, तो मैं यहां से गया कहीं भी कुछ गया, पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हुआ, 10 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 15 हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ के मैं जब वापस यहाँ पे आऊंगा तो पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा ना भाई, यानी कि सर्किट में एक पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स्ड है, तो तुम जब यहां से आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल पक्का गिरा होगा कहीं ना कहीं, तो जितना गिरा होगा उतना ही उठा होगा, तभी तो फाइनली इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ये बात समझ में आया कि नहीं, जैसे मैं तेरे को बताता हूँ, मान ली तेरे पॉकेट में 100 रुपए, तुम घर से निकले, तुमने शॉपिंग किया, तुमने पैसा भी कमाया, तुमने कुछ कुछ किया, फाइनली घर में आए,
तुम घर से निकलते टाइम भी तुम्हारे पास 100 रुपए था, घर में आते टाइम भी 100 रुपए है, यानी तुमने जितना पैसा कमाया उतना ही पैसा गवा दिया। यानी कि नेट राइज इन पोटेंशियल इक्वल टू नेट फॉल इन पोटेंशियल इन ए कंप्लीट लूप इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट का एक लूप में राइज इन पोटेंशियल इक्वल टू फॉल इन पोटेंशियल होता है। ऑल्सो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों, वॉट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ए टूल फॉर एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल में ड्रॉप यानी एनर्जी में ड्रॉप, पोटेंशियल में राइज यानी कि एनर्जी में राइज, यानी कि नेट फॉल इन एनर्जी इज इक्वल टू नेट राइज इन एनर्जी। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कर लो बेटा इसको, इसको भी। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोर अबाउट राइज एंड फॉल इन पोटेंशियल। ये आपका चीज है जो आपको दिमाग में थ्रू आउट द टर्म, थ्रू आउट द सिलेबस आपको दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल में राइज कब होता है, फॉल कब होता है। एक बार बता बैटरी क्या है, बैटरी का अगर मान लें निगेटिव है ये पॉजिटिव है, हम निगेटिव से पॉजिटिव में जाए, ये जो नीचे वाला एरो है ये हमारा डायरेक्शन है, हमारा डायरेक्शन हम जो मान रहे हैं। अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या होगा, राइज होगा, या ऑब्वियसली बात है तुम निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, फायदा होगा ना भाई, ठीक है। तो राइज कितने का, बैटरी का वोल्टेज अगर वी है तो वी वोल्टेज का राइज होगा, ये निगेटिव या पॉजिटिव। अगर हम ऐसे आए पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं तो फॉल होगा ना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, घट रहा है कितने का, जितना बैटरी का वोल्टेज। नेक्स्ट कैपेसिटर, सिंपल सा चीज देखो, चार्ज इस तरफ जा रहा है, चार्ज अगर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और पीछे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख सुन अच्छे से, ये प्लेट इनिशियली क्या था, न्यूट्रल, बता चुका हूँ मैंने, पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव इंड्यूस हुआ और पीछे पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव इस तरफ भागेगा, तो क्यों आएगा, तो क्यों निकलेगा अभी, ठीक है। तो ये बता पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या होता है, राइज होता है कि फॉल होता है, फॉल होता है ना बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो फॉल होता है ना भाई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कितने का फॉल होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है कि नहीं, याद कर Q इक्वल टू सी भी था, तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई सी, तो Q बाई सी का फॉल होगा, Q बाई सी का फॉल होगा किसके डायरेक्शन में, अगर हम चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज में फॉल होता है, ये बात दिमाग में रखना। जैसे याद है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का फॉल हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का फॉल हो रहा था, उसी तरह डायरेक्शन ऑफ चार्ज में भी पोटेंशियल का फॉल होगा, गलती नहीं करनी है इसमें। देखो अगर मैं पॉजिटिव से निकल, अच्छा सेम कैपेसिटर है, कुछ अंतर नहीं है, बस मैं जा इस तरफ जाऊँ, उल्टा जा रहा हूँ, तो उल्टा जा रहा हूँ तो निगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा बेटा, राइज होगा, निगेटिव से पॉजिटिव राइज होता है, यानी चार्ज के डायरेक्शन के अगर हम अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा बेटा, राइज होगा, कितने का राइज होगा, क्यू बाई सी का राइज होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है और इसके बाद हम सम्स करा रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों किरचॉफ लॉ से हम निकालेंगे, ये सवाल मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आपको कराया था बेसिक मेथड से, हालांकि बेसिक मेथड से आपको करने की जरूरत नहीं है, किरचॉफ लॉ से इजीली हो जाता है। ये तो खैर आसान सवाल है तो दोनों मेथड से आपको आसान लगेगा, लेकिन जब कठिन सवाल आएंगे तब किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं आपको जब डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, काइंडली ये एक्सप्लेनेशन तक पूरा बने रहो ताकि आप खुद से जब किरचॉफ लॉ करो तो कोई कंफ्यूजन ना आए, मैं हर एक पॉइंट को माइंडफुली समझाऊंगा, ठीक है। देखो 12 वोल्ट सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ आया था कि वोल्टेज लॉ आया था, किरचॉफ करंट लॉ आया था, सॉरी चार्ज लॉ आया था, तो चार्ज लॉ आया तो पहले चार्ज दिखते हैं। मान लो बैटरी से चार्ज निकला आपका V, सॉरी Q, बैटरी से चार्ज Q निकला, ठीक है, चार्ज अगर Q निकला तो यहाँ पे चार्ज Q आएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यहाँ पे मान ली, अच्छा चार्ज एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू चार्ज एक्सिटिंग द जंक्शन, तो यहाँ पे चार्ज मान ली Q1 आया, तो यहाँ पे कितना आया, Q2 आया, तो यहां से आएगा कितना Q2, यहां से आया Q1, यहां पे आएगा Q। एक चीज आपको नोटिस करना है कि जितना चार्ज बैटरी से निकले उतना ही चार्ज बैटरी में आके घुसे, क्योंकि वही तो बेटा चार्ज कंजर्वेशन होगा ना। अभी क्या बता, इस जंक्शन में एंटर कितना कर रहा है Q, एग्जिट कितना कर रहा है Q1 और Q2, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया कि नहीं। अच्छा एक बार बता हमारे पास टोटल वेरिएबल कितना है, क्यू क्यू वन क्यू टू तीनों वेरिएबल है यार, और तीन वेरिएबल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों ना हम इनको घटा के दो वेरिएबल कर लें। तो दो वेरिएबल कैसे करेंगे, मैंने मान ली Q2 नहीं लिख के इसको लिख दिया Q-Q1, अभी भी सही है, देख Q2 की जगह अगर तू Q-Q1 लिखेगा तो Q1 और Q1 कैंसिल गया, Q इक्वल टू Q, इट इज अगेन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इन सिंपल टर्म्स हमने अपने वेरिएबल को कम करके कितना कर दिया है, Q Q1, और ये उन्हीं दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, यानी वी हैव टू वेरिएबल्स नाउ, एंड सॉल्विंग ए टू वेरिएबल इज फार इजियर जॉब देन सॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी Q2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, Q-Q1, आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ KCL हो गया हमारा, अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा KVL लगाएंगे। KVL के लिए मैंने क्या बताया था, कोई भी एक लूप कंसिडर करना है, ठीक है, हमेशा ट्राई करो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करने का, हमेशा ट्राई करो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करने का, ठीक है। चलो इस पॉइंट से शुरू करेंगे, कौन सा लूप लें, ये ये
ये आपको एक रास्ता कंसिडर करना है, एक पॉइंट से शुरू करो, कोई भी एक रास्ता पकड़ो और उस पॉइंट पे वापस आओ। ये है तरीका किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने का, बताया था कि नहीं, उस पॉइंट से शुरू करके वापस उसमें आना है। तो इस पॉइंट से वापस इसमें आने के लिए कितना रास्ता है, ये वाला रास्ता भी अपनाते हैं। अच्छे से देखना ये वाला रास्ता, समझ में आ रहा है कि नहीं, रास्ता कौन सा, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेगेटिव से शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे ऐसे, ऐसे जाएंगे हम लोग, मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोसीडिंग भी दिखा दे रहा हूं एरो से। ऐसे जाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है हमारा, इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू करेंगे। तो हमको पता है कि नेट राइज इज इक्वल टू नेट फॉल होता है। जब हम यहां से जाएंगे, किस तरफ जा रहे हैं, ये जो एरो का साइन उस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव राइज होगा कि फॉल होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी है, बैटरी का देख नेगेटिव से पॉजिटिव राइज था पिछले थोड़ा टाइम पहले दिखाया था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव राइज कितने का, 12 वोल्ट का, जितना बैटरी का पोटेंशियल है। यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज के डायरेक्शन में देख फॉल था, फॉल कितने का था, क्यू बाई सी का, तो एफ में क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, वॉट इज सी, सी। तुम ऐसा करो, 3 माइक्रो फैराड लिखने की जगह आप 3 लिख लो, क्यों 3 लिखोगे, क्योंकि माइक्रो लिखोगे तो फिर 3 × 10⁻⁶, अननेसेसरी आपका क्या पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप सिंपली ऐसा मानो कि Q जो हमारा है, ऐसा मान Q, Q1 बोथ आर इन माइक्रो कूलम, दोनों माइक्रो कूलम में, तो Q और Q1 माइक्रो कूलम में है, तो माइक्रो कूलम और माइक्रो कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैंने अभी क्या बोला है, लग ही रहा होगा, आप थोड़ा टाइम वेट करो, देखना थोड़ा टाइम पे आपको रिजल्ट जब आएगा सामने आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको 3 मानो, क्यू बाई थ्री हो गया आपका, क्यू बाई थ्री का फॉल हुआ, ऐसे गए ऊपर से जाएंगे, जब ऊपर से जाएंगे यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं है, यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज के डायरेक्शन में राइज होता है, फॉल होता है, फॉल होता है, तो फॉल में कितना लिखेंगे बेटा, क्यू वन बाई टू आए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इस पॉइंट पे आ गए, लूप हो गया कंप्लीट, पहला इक्वेशन हमारा बन गया, नेट राइज इक्वल टू नेट फॉल, यानी कि 12 इक्वल टू क्यू बाई थ्री प्लस क्यू वन बाई टू। पूरे इक्वेशन को ऐसा कर, 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 से अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 6 इंटू 12 कितना होता है बेटा, 72 इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 टू क्यू प्लस 3 क्यू वन, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। पहले इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, 2 है, क्यू और क्यू वन, जो कि ऑब्वियसली बात है इन्हीं दोनों का वेरिएबल होना चाहिए था, तो 2 वेरिएबल है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो 2 इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें एक और लूप कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पहला लूप से हमारा एक इक्वेशन आया तो दूसरे लूप से दूसरा इक्वेशन आएगा, तो पहला लूप को अभी के लिए मिटा दो, पहले लूप को अभी के लिए मिटा दो। ठीक है, दूसरा लूप कौन सा कंसिडर करें, बच्चे सोचेंगे कि सर कौन सा कंसिडर करें, ये वाला कंसिडर कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, तो ये वाला भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा कठिन वाला करूंगा, थोड़ा कठिन वाला करूंगा, ये वाला कंसिडर करता हूं, ये क्यू माइनस क्यू वन है, इसको यहां पर लिख देते हैं, ये वाला कंसिडर करता हूं, समझ में आया, मैं शुरुआत करूंगा इस पॉइंट से और खत्म भी इसी पॉइंट पे होगा, और मैं कैसा मोशन कर रहा हूं हमारा, क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज करके भी कर सकते हो, दोनों में रिजल्ट करेक्ट ही आएगा। ठीक है, राइज इक्वल टू फॉल, चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू किया, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाने से क्या होगा, चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज के डायरेक्शन में राइज होता है कि फॉल होता है, चार्ज के डायरेक्शन में बेटा फॉल होता है, कितने का फॉल होगा, क्यू वन बाई टू का, समझ में आया, मैं बता रहा हूं कैपेसिटर में क्यू बाई सी लेना है और बैटरी में वी लेना है, मेन बात है पोटेंशियल का राइज एंड फॉल देख लेना, तो भाई कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, क्यू बाई टू, ठीक है, क्यू वन बाई टू, सॉरी ऐसे आए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया। अच्छा देख, कैपेसिटर में चार्ज किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, हम किस तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी हमारा डायरेक्शन चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में राइज होता है, कितने का राइज होगा बेटा, क्यू माइनस क्यू वन बाई फोर आ गया, राइज इक्वल टू फॉल लगा, तो क्यू माइनस क्यू वन बाई फोर इक्वल टू क्यू वन बाई टू, ऐसा कर पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें एलएचएस आरएचएस में, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू माइनस क्यू वन इक्वल टू टू क्यू वन, और आई कैन से 3Q1 इक्वल टू क्यू आ गया कि नहीं, 3Q1 इक्वल टू क्यू आ गया, तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देख क्यू इक्वल टू क्यू वन है, तो ऐसा कर क्यू इक्वल टू कितना है, 3Q1, ऐसा कर 3Q1 यहाँ पे है ना, रिप्लेस कर दे, तो 72 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
टू क्यू प्लस थ्री क्यू वन, थ्री क्यू वन की जगह क्या लिखेंगे क्यू, यानी क्यू आपका कितना आ गया थ्री क्यू इक्वल टू 72, 72 बाई थ्री, तेरा क्यू आ गया 24. सब कुछ क्या था माइक्रो कूलम में, 24 माइक्रो कूलम, याद कर पिछले वाला आंसर से मैच करा, 24 माइक्रो कूलम आया था कि नहीं. क्यू वन क्या होगा क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री कितना होता है 24 बाई थ्री कितना होता है बेटा 8 माइक्रो कूलम, क्यू वन आ गया और क्यू माइनस क्यू वन कितना हो गया 24 माइनस 8 16 माइक्रो कूलम, यानी कि देख क्यू कितना, इसमें क्यू है इसमें 24 माइक्रो कूलम, क्यू वन क्या है इसका चार्ज इसमें कितना 8 माइक्रो कूलम, क्यू माइनस क्यू वन किसका है इसका इसमें 16 माइक्रो कूलम, बैटरी से कितना चार्ज निकला क्यू, क्यू इक्वल 24 माइक्रो कूलम, सारे आंसर आ गए हमारे, सारे आंसर आ गए, कोई बड़ी बात है ही नहीं. अब आपको क्या करना है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो क्यू बाई सी कर, क्यू बाई सी कितना है क्यू कितना है 24, तो 24 बाई सी कितना होता है 8, यानी 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे. क्यू वन कितना है 8, तो 8 बाई टू 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, क्यू माइनस क्यू वन कितना है 16, 16 बाई फोर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा चीज है, कोई भी डाउट, चलो मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो और अभी मैं जो सवाल दूंगा एक और सवाल आपको दिखाऊंगा मैं करके. हाँ तो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया एक प्रॉब्लम है आप लोग के सामने, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है. देखो पहली बात आप लोगों को दो दो प्रॉब्लम की दे दी है सर, एक साथ दो दो प्रॉब्लम नहीं दो डायग्राम है बस, ये ट्रायंगल में, ये डायग्राम में देख कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड 2 वोल्ट एक ही वायर में, 2 माइक्रोफेरेड 2 वोल्ट एक ही वायर में, नेक्स्ट वायर में 2 वोल्ट और 4 माइक्रोफेरेड, 2 वोल्ट और 4 माइक्रोफेरेड सेम वायर में, नेक्स्ट में 4 वोल्ट और 2 माइक्रोफेरेड, 4 वोल्ट और 2 माइक्रोफेरेड सेम वायर में. अच्छे से देखेगा दोनों डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तू जब कोई किताब फॉलो करेगा तो वहां पे देखेगा किसी में ये डायग्राम से अलग क्वेश्चन दे दिया, इस डायग्राम से अलग क्वेश्चन दे दिया, एक और डायग्राम बना देगा कॉम्प्लिकेटेड सा, इसको सर्कल बना के दे देगा, ये वाला पार्ट को ऐसे सर्कल बना देगा, ये वाला पार्ट ऐसे सर्कल बना देगा, उसको डायमीटर बना के दे देगा, बच्चे परेशान क्या क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया बेटा, वायर को टेढ़ा मेढ़ा करने से थोड़ी कुछ ना फर्क पड़ता है, तो हमको दोनों डायग्राम सेम है, तो आप कोई भी सॉल्व कर लो बात एक ही है. मैंने आपको ये बताने के लिए बस डायग्राम ड्रॉ किए कि डायग्राम अलग अलग टाइप के आ सकते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है. ठीक है चलो, तो मैं हम लोग अभी के लिए ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर रहे हैं मतलब ये भी सॉल्व कर ही रहे हैं. ठीक है तो ये वाला अभी के लिए मिटा देते हैं क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं. अच्छे से देख ले भाई, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में एक वायर दो वायर तीन वायर, ए और बी के बीच में एक वायर दो वायर तीन वायर. ठीक है मिटा रहा हूं मैं. अब कुछ चीजें आप ध्यान में आनी चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड तो पैरेलल में है, बेटा पैरेलल में होने के लिए दे मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, 2 माइक्रोफेरेड ए और ये वाला कोई पॉइंट होगा सी उसके बीच में कनेक्टेड है बेटा, 4 माइक्रोफेरेड बी और कोई और पॉइंट होगा डी उसके बीच में कनेक्टेड है, हाउ कैन दे बी इन पैरेलल. बैटरी आ गई ना समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वैसे नहीं सोचना है अपने को. चलो किरचॉफ लगाते हैं, किरचॉफ लगाने के लिए कैसे करेंगे, पहला बात क्या हम लोग लगाएगा किरचॉफ करंट लॉ या चार्ज लॉ, आप जो बोलना है बोल सकते हैं. मैं इस वायर को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि हमको थोड़ी बढ़िया से फील आ जाए. ठीक है चल देख पहली बात कैसे हम लोग इसको अप्लाई करें, पहला काम है किरचॉफ करंट लॉ लगाना. तो मान ले अब बोलोगे सर कैसे लगाए, कौन से बैटरी से चार्ज निकाले, किसी से भी निकाल, मैं कहता हूँ यहां से तू इस बैटरी से निकाल ले चार्ज क्यों, क्यू आया यहां पे क्या गया क्यू वन, तो यहां पे क्या जाएगा क्यू माइनस क्यू वन. समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, अगर निगेटिव से थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो मैं तेरे को और सिंपल तरीके बताता हूँ. देख वेरिएबल कितना है, क्यू और क्यू वन दो ही वेरिएबल है, मैं और तेरे को सिंपल तरीके बता देता हूँ. सिंपल तरीका ये है, ये है. अच्छा चल इसी को लेके फॉलोअप पे, पहले इसको लेके मैं समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है बाद में बोलोगे सर कॉम्प्लिकेटेड हो गया. क्यू वन गया यहाँ पे, क्यू वन आया क्यू माइनस क्यू वन यहाँ से जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो क्यू वन प्लस क्यू माइनस क्यू वन, क्यू वन क्यू वन कैंसिल जाएगा, फाइनली क्यू वन जाएगा. देख समझ में आ रहा है, ठीक है. तो इन शॉर्ट बात ये है कि आप ये वाला लेके भी आप फॉलो कर सकते हो, फिर आपके पास वेरिएबल कितना है, दो वेरिएबल है, तो आप ये वाला लूप कंसीडर करो, फिर ये वाला लूप कंसीडर करो, या बड़ा वाला लूप कंसीडर करो, बात तो एक ही है, जो कंसीडर करना है कर लो, रिजल्ट तो आएगा. मैं आपको एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा और आसान लगता है बच्चों को, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख, पहले सबको मिटाओ, पहला काम है सबको मिटाना भी, मिटाना वाला ये थोड़ा सा समय वेस्टिंग वाला काम है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा वैसे खास. देखो चलो मैंने बोला कि सर क्यू माइनस क्यू वन निगेटिव आ गया, निगेटिव पसंद नहीं है मेरे को पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है तो ऐसा देख ले, इससे मान ले क्यू वन निकला, इससे मान ले क्यू टू निकला, क्यू वन गया तो क्यू वन यहां से आया,
और Q2 यहाँ से आया, Q1 यहाँ से, Q2 यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, अरे समझ में आ रहा है ना भाई, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अच्छा नहीं देखो, यहाँ से कितना आएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ पे कितना आएगा Q1 प्लस Q2। अच्छा यहाँ से बैटरी से निकल कितना रहा था Q1, तो घुसना भी कितना चाहिए Q1, तो Q1 प्लस Q2 आ रहा है, Q1 यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2, देख सेटिस्फाई हो गया कि नहीं। ये भी कर सकते हो, जैसा मर्जी कर सकता है बेटा, तेरे हिसाब से देखो, जो वेरिएबल लेना है ले, आंसर तेरा करेक्ट ही आएगा, आंसर तेरा करेक्ट ही आएगा। अब एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख, पहली बात लूप कंसिडर कंसिडर करो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल सा सवाल है। ऐसा करते हैं, ये वाला लूप कंसिडर करते हैं और इसको शुरू करते हैं क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज, पिछले वाले में हमने क्लॉकवाइज लिया था, इस बार हम लोग ऐसा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ऐसा लेते हैं। शुरुआत कौन से पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से कर लेते हैं, कहीं से भी शुरुआत करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरे को फाइनली वहीं पे आना है। क्या लिखेंगे बेटा, राइज इक्वल टू फॉल। चल देख, यहां से शुरू किया, यहां से यहां पे जाएंगे तो राइज होगा कि फॉल होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। राइज, राइज कितना, 2 वोल्ट का बैटरी है बेटा, बैटरी बैटरी में सिंपली, ठीक है, 2 वोल्ट लिख या 2 लिख तेरी मर्जी। यहाँ पे गए, चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा जाना इस तरफ है क्योंकि हम ऐसे जाके ऐसे आएंगे, तो हमारा जाना इस तरफ है, हम चार्ज की तरफ जा रहे हैं, चार्ज की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा बेटा फॉल, कितने का फॉल, Q1/4। ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर से निगेटिव से पॉजिटिव, राइज कितने का, 2 वोल्ट का, आया 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 आया, फिर चार्ज का डायरेक्शन में आना, चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है बेटा फॉल, कितने का, Q1 प्लस Q2/2 का, आए 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 आए, इस पॉइंट पे आ गए, बात खत्म। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया, पूरे इक्वेशन को ऐसा कर, 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, ये 4 है, 4 + 4 × 4 कितना हो गया 16, पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से, इस तरफ आ जाएगा 16, इस तरफ आ जाएगा Q1, इस तरफ आ जाएगा 2Q1 + 2Q2, ठीक है, तो Q1 प्लस ये हो गया आपका बेटा 3Q1, 3Q1 प्लस 2Q2, पहला इक्वेशन 16 इक्वल टू 3Q1 प्लस 2Q2, पहला इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग अभी लिखेंगे बेटा, इसको मिटा दो, आपको मिटाना नहीं, आपको दोबारा से लिखना है इसको, कौन से कंसिडर किया इसको कंसिडर किया, ऐसा करते हैं ये वाला कंसिडर करते हैं, ये वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया था, ये वाला क्लॉकवाइज ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू उसी पॉइंट से करेंगे फिर फाइनली इसमें आके रुकेंगे। शुरू किया निगेटिव से पॉजिटिव, क्या हो गया बेटा लाइफ, कितने का हो गया 2 वोल्ट। आगे बढ़े, चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या होगा फॉल, Q1/4 का, गए 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 गए। अब हम चार्ज, चार्ज इस तरफ आ रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग अपोजिट टू चार्ज, अपोजिट टू चार्ज मींस राइज, कितने का राइज, Q2/2, यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है बेटा फॉल, कितने का फॉल, 4 का। यहाँ पे आए, आके फाइनली हम लोग इस पॉइंट में आ गए, बात खत्म, ये 2 है ये 4 है, फाइनली इस तरफ क्या बचेगा 2 प्लस Q1/4 इक्वल टू Q2/2। ऐसा कर पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते, 2Q2 इक्वल टू Q1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा, ये हो जाएगा 8। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बन रहा है 2Q2 - Q1 = 8, दूसरा इक्वेशन बना, डाउट है कुछ भी बेटा, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन करके लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर, क्यों कर रहा हूँ समझ में आएगा तेरे को। ऐसा करते -2Q2 + Q1 = -8, समझ में आ रहा है, पूरे इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव। अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है, 8 को इस तरफ लेके आ जा, -8 क्या बचेगा Q1 - 2Q2, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये हमारा हुआ दूसरा इक्वेशन। तो ऐसा कर, हमारे पास अभी 2 इक्वेशन है, हमारे पास अभी 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को लिख दो। पहला इक्वेशन है बेटा 16 = 3Q1 + 2Q2। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको किस तरह इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, Q1 - 2Q2, मैंने सिंपली देख लिया नेगेटिव आ रहा है तो ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल भाई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपली 16 + 8 कितना 16, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने बोल रहा हूँ, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 8,
ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4Q1, ये दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, Q1 आ गया बेटा आपका 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, Q1 2 आ गया। नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दे, 16 इक्वल टू 3 इंटू Q1, Q1 की वैल्यू कितनी 2 प्लस 2 इंटू Q2, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 10 बाई 2 इक्वल टू Q2 हो गया, Q2 आ गया आपका बेटा 5 माइक्रोकूलम, यानी Q1 2 Q2 5, Q1 आपका कितना है बेटा 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है 5, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम। आई होप समझ में आया हो। अच्छा मान ले अब रिजल्ट हमारे पास आ गया, अब आपको करना है लिखना है, लिख लो एक बार। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सीन बोलता हूँ, मान ले ड्यू टू सम रीजन तेरा Q2 आया 2 माइक्रोकूलम और Q1 आया, अच्छा Q2 मान ले तेरा आया 5 माइक्रोकूलम और Q1 आया -2 माइक्रोकूलम, मान ले ऐसा है, इसका मान ले ड्यू टू सम रीजन ऐसा आया, आपने कुछ और कन्वेंशन लिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो तुमने Q1 इस तरफ माना है, Q1 इस तरफ -2 आ रहा है, मतलब असलियत में Q1 क्या है, इस तरफ है +2 माइक्रोकूलम। समझ में आया कि नहीं, Q1 क्या है असलियत में इस तरफ, नेगेटिव मींस दिस। तो आप कुछ भी कंसिडर कर लो, आपके आपका आंसर गलत नहीं आ सकता, आप कंसिडर करो आपका आंसर प्लस या माइनस कुछ भी आया, आप उस हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, आपका रिजल्ट देखना सेम ही आएगा, करेक्ट ही आएगा, गलत आ ही नहीं सकता रिजल्ट। अब दोबारा आप ऐसा करो, सेम क्वेश्चन करो, जो मैंने चार्ज लिया है उस हिसाब से चार्ज लेके आप कुछ और चार्ज लो, जो मैंने पहले बताया था वो लो, देखना आपका रिजल्ट भले ही Q1 Q2 का वैल्यू अलग आएगा, लेकिन चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर, इसमें कितना था 2 था, इसमें था 5 और इसमें 7 था, रिजल्ट वही रहेगा। योर इंडिविजुअल द वैल्यू वेरिएबल मे चेंज बिकॉज यू हैव कंसीडर्ड डिफरेंट वेरिएबल, तो आपका वैल्यू वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, तो नोट डाउन आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर आखिरकार क्या है, हम जो इतना कुछ पढ़ रहे हैं कैपेसिटर कर रहे हैं क्या है वो, तो यहाँ पे आपको उस चीज का जवाब मिलेगा। कैपेसिटर क्या, एक टेम्पररी बैटरी होता है इन शॉर्ट, कैसे, जैसे वो सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगता है, सीरीज में भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन, वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको एकदम बेसिक सा यूज बता रहा हूँ, जो यूज घुमा फिरा के हर जगह यूज करता है कैपेसिटर को इस तरीके से। तो बेसिक यूज ये है कि ये मान ले बैटरी है 6 वोल्ट का, ठीक है, और ये हमने कैपेसिटर लगा दिया उसके साथ पैरेलल में 1 माइक्रोफैरड का। तो एक बार बता, बैटरी 6 वोल्ट है तो ये पॉइंट अगर मान ले ग्राउंडेड है, ये पॉइंट मान ले ग्राउंडेड है, तो ये पॉइंट कितना 0 वोल्ट, ये भी कितना हो गया 0, तो ये पॉइंट कितना हो गया 6 वोल्ट, ये पॉइंट भी कितना हो गया 6 वोल्ट, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लग रहा है 6 वोल्ट लग रहा है, तो चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में, क्यू इक्वल टू सी वी, सी कितना है 1 माइक्रोफैरड, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, आ गया आंसर आपका 6 माइक्रोकूलम, यानी कि इसमें 6 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। और चार्ज कैसे आएगा देख अच्छे से, ऐसे आके आएगा कि नहीं, तो यहां पे कितना आया, सिक्स माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अब कुछ बात सुन, मान ले अब एक बात मेरी समझ, ये बैटरी 6 वोल्ट का है और अच्छे से देखेगा तो इसमें 6 माइक्रोकूलम चार्ज और इसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा 1 माइक्रोफैरड, तो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सुनना अच्छे से सवाल क्या बोल रहा हूँ, इन कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी इक्वल टू क्या होता है बेटा क्यू बाई सी, वट इज क्यू हेयर, वट इज क्यू हेयर 6 माइक्रोकूलम, वट इज सी हेयर 1 माइक्रोफैरड, आंसर आ गया बेटा आपका 6 वोल्ट, यानी कि दिस कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसका मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा बैटरी था 6 वोल्ट और ये कैपेसिटर था जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी की तरह काम कर रहा है, और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है रेजिस्टर। अब एक मेरी बात समझ, तू मेरे को एक बात बता, एक बार चार्ज क्या होता है, इनिशियली आता रहता है, यहाँ पर जमा होते रहता है, जैसे ही जमा हो गया चार्ज पूरी तरीके से चार्ज जमा हो गया, तो क्या ये कैपेसिटर और चार्ज लेगा, नहीं लेगा। सुनना दोबारा से बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एक बार हम कैपेसिटर के चार्जिंग प्रोसेस की बात करते हैं, हालांकि अगर मैं क्लास में होता तो मैं और अच्छे से इस चीज़ को समझा पाता, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरीके से समझाने की और स्लोली समझाऊंगा। इनिशियली बैटरी से चार्ज आया,
धीरे धीरे करके यहाँ पे जमा हुआ जमा हुआ जमा हुआ जमा हुआ, पहले 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, कुछ एक टाइम के बाद 6 माइक्रोकूलम हो गया, कुछ एक टाइम के बाद 6 माइक्रोकूलम हो गया चार्ज, यानी कि फुल्ली चार्ज हो चुका है। एक बार ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, क्या ये और चार्ज लेगा? नहीं लेगा। तो यहाँ से कोई और चार्ज आएगा? कोई और चार्ज आएगा यहाँ से? कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी कि वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, नो करंट पासेस थ्रू इट। क्यों कोई करंट पास नहीं होता? क्योंकि कोई चार्ज ही इसकी तरफ नहीं आ रहा है, कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो कोई चार्ज निकलेगा क्यों? यानी वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, यहाँ से कोई चार्ज ना ही आएगा ना ही कुछ होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ पे करंट इक्वल टू क्या हो गया बेटा? जीरो। यहाँ पे करंट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। ये कैपेसिटर है 6 वोल्ट का, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज आ नहीं रहा है क्योंकि ये और चार्ज जमा नहीं कर सकता, तो इट इज एक्टिंग एज ए डेड सर्किट नाउ, मतलब ये किसी काम का नहीं है। यानी कि दस इट एक्ट एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? सुनना अच्छे से, काफी बहुत डिटेलिंग है, बहुत डेप्थ में है ये चीज, बहुत डेप्थ में है, अच्छे से सुनोगे। ये डायग्राम को मैं एक और बार बना रहा हूं, असली करेक्ट डायग्राम ये है। दिस इज ए 6 वोल्ट बैटरी, दिस इज ए 6 वोल्ट कैपेसिटर, एंड दिस इज, इसको मान ले 2 ओम, मान ले तो 2 ओम है, 2 ओम है। यानी कि असलियत में इससे कोई करंट आ नहीं रहा है, कोई करंट नहीं आ रहा है, यानी कि ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। ओपन सर्किट से तो कोई करंट जा ही नहीं सकता, सिर्फ इट एक्टिंग एज ए ओपन सर्किट। वेदर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट इज 6 वोल्ट। अब एक बात सुन, अब क्या कह सकता हूं, ये तो ओपन सर्किट है, ओपन तार है, तो करंट यहां से आएगा और यहां से जाएगा। ये कब होगा? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, फुल्ली चार्ज होने की बात की कहानी है, तो ऐसे जाएगा। ये कितना करंट फ्लो होगा? I इक्वल टू बेसिक क्लास 10 का चीज तो पढ़ चुके हो, I इक्वल टू V बाई R, V कितना है 6 वोल्ट, तो 6/2 कितना हो गया बेटा? 3 एम्पियर। यानी कि अभी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रहा है, फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर भी फुल्ली चार्ज हो चुका और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। अब तू मेरे को एक बात बता, अब तू मेरे को एक बात बता, मान ले ड्यू टू सम रीजन ये बैटरी गायब हो गई, या ये बैटरी खराब हो गया, ये बैटरी खराब हो गया, ये मान लीजिए ये बैटरी खराब हो गया, तो अब तो अच्छे से देखेगा कि सिंस ये बैटरी खराब हो गया, ये बैटरी खराब हो गया, इसको मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। असलियत में इससे चार्ज नहीं निकलने का रीजन क्या है सुन, ये बैटरी क्या करना चाहती है, ये बैटरी भी 6 वोल्ट, ये बैटरी भी, ये कैपेसिटर जो कि बैटरी की तरह बिहेव कर रही है वो भी 6 वोल्ट, तो ये भी इस तरफ चार्ज भेजना चाहती है और ये भी अपनी तरफ से चार्ज देना चाहती है, और दोनों के सिर्फ 6 वोल्ट के हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं है। कैसा बना रहा हूं? ऐसा बना रहा हूं, देख, तो एक बार बता, ये मान ले एक सर्किट है, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो खुद एक बात बता, कोई करंट होगा सर्किट में? कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला 6 वोल्ट भी चार्ज को ऐसे भेजना चाहता है, ये वाला 6 वोल्ट भी चार्ज को ऐसे भेजना चाहता है, तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं होगा इस सर्किट में। उसी तरीके का बात यहां पे हो रहा है, ये 6 वोल्ट यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है इसको चार्ज फीड करने का, और ये सिर्फ फुल्ली चार्ज है, तो ये बोलता है मैं नहीं लूंगा, मैं और देना चाहता हूँ, तो ये धक्का मारेगा, इस तरह धक्का मारेगा, क्योंकि ये भी 6 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, धक्का मारेगा, तो कोई चार्ज होगा नहीं, और इसीलिए करंट 0 होता है। तो करंट 0 होने का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। मान लीजिए टू सम रीजन ये बैटरी खराब हो गया, ये वीक हो गया, ये बैटरी गायब हो गया, सिंपल बात में। अच्छा, बैटरी गायब हो गया, तो ये जो 6 वोल्ट जो कि इस तरफ धक्का मार रहा था और ये वाला बैटरी इसको इस तरफ धक्का दे रहा था, दोनों कैंसिल हो रहे थे, अभी इसका इफेक्ट गायब, इसका इफेक्ट गायब, तो अभी ये अकेला हो गया, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करंट देगा, अभी ये करंट देगा, किसको देगा? रेजिस्टर को, रेजिस्टर को करंट देके ये चार्ज, ये इसमें, अच्छा ये कैपेसिटर कितने का था? 6 माइक्रोकूलम का, तो असलियत में ये क्या था? +6 था यहाँ पे और -6 माइक्रोकूलम यहाँ पे था, +6 माइक्रोकूलम यहाँ पे और आपका -6 माइक्रोकूलम यहाँ से, तो यहाँ से +6 माइक्रोकूलम का चार्ज धीरे 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 आके यहाँ पे आके ये पॉजिटिव प्लेट था और ये आपका नेगेटिव प्लेट था, तो प्लस वाला चार्ज यहाँ से निकल के आएगा, प्लस वाला चार्ज यहाँ से निकल के आएगा और नेगेटिव प्लेट में जाके घुस जाएगा और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फाइनली पॉजिटिव भी खत्म, क्योंकि पॉजिटिव सारा निकल के नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर चुका है, यानी कि फाइनली ये अपना करंट दे देगा इसको पूरी तरीके से। तो क्या मैं कह सकता हूं, दिस कैपेसिटर एक्टेड एज ए टेम्पररी बैटरी विच स्टोर्स चार्ज एंड प्रोवाइड्स द चार्ज टू द सर्किट व्हेन बैटरी फेल्स टू डू सो। यानी कि इसने चार्ज को स्टोर किया बढ़िया तरीके से और कोई करंट पास नहीं हो रहा इससे, लेकिन जैसे ही बैटरी ने चार्ज को प्रोवाइड करना बंद कर दिया, तो कैपेसिटर आया और आके इसने चार्ज दिया सर्किट को,
कब तक देगा, बहुत ही कम इंटरवल के लिए देता है, लेकिन वो देता है। अब मान लो छोटा टाइम बाद बैटरी फिर से ठीक हो गया, बैटरी फिर से ठीक हो गया तो बैटरी फिर से क्या करेगा, इसको फुल्ली चार्ज कर देगा, इसको फुल्ली चार्ज कर देगा इस तरीके से, और इसमें करंट अपना प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। एक बार ये फुल्ली चार्ज हो गया, इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट और करंट यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो इस पार्ट को दोबारा से देखो, व्हाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर। हालांकि फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर में बहुत लंबा डिस्कशन होता है, प्रॉपर इसमें इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट बहुत सारा टॉपिक होता है, वो आईआईटी के मतलब एडवांस के सिलेबस में है वो, तो वो वाला तो खैर अभी मैं वीडियो में कराऊंगा नहीं, अगर क्लासेस खुलता तो मैं करा भी देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब टॉप क्लास टॉपिक होता है वो, इससे वर्मा में है दिया, वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। इंटीग्रेशन भी आपको आई होप समझ में आ ही जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर है। और कुछ छूटा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है। चलो